कश्मीर घाटी के जिला शोपिया के डिग्री कॉलेज शोपिया में सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंतर्गत फार्मर्स मेले का आयोजन किया गया। इस मेले के दौरान कौशल विकास सहित खेती के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक किया गया। किसानों, छात्रों और किसान उद्यमियों के एक बड़े समूह ने इस आयोजन में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। जिला रामबन के बनिहाल में नगर निगम अध्यक्ष फारूक अहमद वानी ने बनिहाल के सार्वजनिक पार्क का दौरा कर वहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। वहीं उन्होंने कहा कि कूड़े को डंप करने के लिए जमीन की कमी के कारण म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले अवैध रूप से जम्मू में बसे रोहिंग्यों की धरपकड़ के लिए प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। शनिवार को जम्मू कश्मीर पुलिस ने रोहिंग्यों को मौलाना आजाद स्टेडियम में तलब कर उनके पहचान पत्र व संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग की ओर से जारी रिफ्यूजी कार्ड की जांच की। पहले दिन 250 से ज्यादा रोहिंग्यों की जांच की गई। इनमें अवैध रूप से 167 रोहिंग्या मिले, जिन्हें देर शाम बसों में हीरानगर जेल में बनाए गए होल्डिंग सेंटर में शिफ्ट किया गया है। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी आज रविवार को रियासी जिले के कटरा में हो रही प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने का व प्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव कराने संबंधी प्रस्ताव पेश करेगी। ये राजनीति प्रस्ताव कटरा में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में चर्चा का विषय बनेगा। वहीं अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग जम्मू पहुंच गए हैं। सुनजुआ में आयोजित भर्ती रैली में जम्मू संभाग के 10 जिलों के 36,000 युवाओं ने भाग लिया। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने अपने ट्विटर पर जानकारी साझा की। इस भर्ती का आयोजन सेना की ओर से 15 फरवरी से किया गया था। सेना के प्रवक्ता का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, अब जल्द इसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के पिछले 4 दशकों से रहे वरिष्ठ नेता, जो कांग्रेस के हर उतार चढ़ाव के बीच एक चतुर सलाहकार, कुशल संगठनकर्ता और संकट मोचन के तौर पर कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं। जम्मू संभाग के जिला डोडा के एक अत्यंत पिछड़े और छोटे से गांव सोती भलेसा में 7 मार्च 1949 को पैदा हुए थे। आज उनका 72वां जन्म दिवस है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज सुबह जब लोग गहरी नींद में थे, उसी दौरान जम्मू संभाग के डोडा के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने में इसकी तीव्रता 2.9 मापी गई। भूकंप सुबह 4:40 पर आया था। केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा कि सरकार किसानों की भावनाओं को समझते हुए तीनों कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्षी दल कृषि अर्थव्यवस्था की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं और किसानों के हितों को चोट पहुंचा रहे हैं। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों के दैनिक मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 18,711 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 100 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,12,10,799 हो गई है। तो वहीं अब तक इस महामारी से 1,57,756 मरीजों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सिलगुड़ी में रसोई गैस के बहाने दामों के खिलाफ पद यात्रा करेंगे। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही ममता बीजेपी पर हमलावर होने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। इससे पहले ममता बनर्जी ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर स्कूटी चलाकर विरोध किया था।